मेरे लिए अगर कोई ये कहे कि आशू सिंह सूरपुरा को बिठा देंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे खरीद ले और मेरे को बिठा दे। राजस्थान में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही भाजपा ने जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा सीट से जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दाव खेला है। वहीं लंबे समय से जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होकर सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे आशु सिंह सुरपुरा को भाजपा से टिकट नहीं मिलने से समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। शहर के एक निजी गार्डन में बुलाई गई एक बैठक में बड़ी संख्या में आशु सिंह सुरपुरा के समर्थकों ने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने पर आपत्ति जताई है। वहीं आशु सिंह सुरपुरा ने भी अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनका चुनाव चिन्ह और उनका चेहरा ही कार्यकर्ता का चिन्ह है। उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 14 अक्टूबर को लाखों समर्थकों के साथ वह रैली निकालेंगे और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का और भाजपा का विरोध करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि वह किसी भी सूरत में बैठेंगे नहीं, वह चुनाव लड़ेंगे और जीत कर बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 30,000 से भी अधिक कार्यकर्ता है जिन्होंने धरातल पर काम किया है। सांसद है उसको सांसद बना रहने दो, हम नहीं हटा रहे, लेकिन विधायक को आपका बेटा आपका भाई बनेगा, यहाँ पे राजा नहीं चाहिए, सेवक चाहिए जनता को। तो अपने तो सब लोग लग जाओ, काम में लग जाओ, सोतने की बातें हैं, पहले कह रहा हूँ। मेरे लिए अगर कोई ये कहे कि आशु सिंह सुरपुरा को बिठा देंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे खरीद ले और मेरे को बिठा दे।